यस यस मैम, मैम। यस मैम। हेलो कनर जी, तो पहले प्रभाष सर के कुछ डाउट्स हैं, वही डीपीपी जो कल भी डिस्कस की थी। पहले अपन डाउट्स कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। तो बताइए कौन से डाउट है। मैम क्वेश्चन नंबर 4। 4 प्रभाष देखिए, वो कह रहे कि वाई जो भी है एक नेचुरल नंबर पुट करना है, ठीक है। वाई यस जो मैम। है वो मुझे एक नेचुरल नंबर पुट करना है, तो जब मैं नेचुरल नंबर पुट करूंगी तो एक्स इज इक्वल्स टू 1/y। तो देखो 0 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 1/0 में कभी आएगा ही नहीं, यस क्लियर। मैम, ठीक है, यस मैम। उसके बाद 1, 1 तो आ सकता है, जब नेचुरल नंबर 1 पुट करूंगी तो 1 आ जाएगा। यस मैम। किसी भी नेचुरल नंबर पे एक्स की वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2/3 भी नहीं आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है। यस मैम। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन नंबर 23। 23। हाँ जी, ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स है ऑफ एक्स, सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको ये पता है कि ए और जो बी है ये दोनों के दोनों सबसेट है एक्स के, क्लियर। और ये चीज दे रखी है कि जो ए है वो सबसेट नहीं है बी का, राइट। यस मैम। ठीक है, तो जब ए सब बी का सबसेट नहीं है तो क्या ए इज ऑलवेज, हो सकता है ए और बी में कोई रिलेशन ही ना हो, या हो तो नहीं बोल सकते कि जो ए है वो ऑलवेज सबसेट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का, ऐसे नहीं बोल सकते। यस मैम। बी इज ऐसा, जब ए बी का सबसेट नहीं है बी ए का होगा, ऐसा तो मेरे को कहीं पे मेंशन नहीं है। नो मैम। तो मुझे अगर ये गिवन होता कि जो ए है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का होता, तो ए और सी एक ही मतलब देते कि ए और बी डिसजॉइंट भी है, ठीक यस मैम। है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है वो डिसजॉइंट हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी दे सकती हूँ। यस मैम, ये समझ नहीं आया दी। देखो ए और बी का मतलब है कि अगर दो सेट्स ऐसे पड़े हैं, ये ए है बी है, तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो, और ऑलवेज डिस्जॉइंट नॉन डिस्जॉइंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कभी भी डिस्जॉइंट नहीं होंगे, यस मैम, ठीक है। हाँ यस जी, मैम। किसी और के कोई और? मैम क्वेश्चन नंबर 4। 28। 28। 28 में सिंपल था, जब आपने क्वेश्चन को किया होगा तो आपके पास बना होगा एन की वैल्यू, एन नेचुरल नंबर है तो आपके पास 6 पुट किया होगा ए की जगह पे, तो 6n ऐसे चला होगा, यानी कि आपके पास बना होगा 6, 12, 18 एंड सो ऑन। फिर 8 के टेबल पे जब चला होगा 8, 16, और फिर क्या चलेगा, 24। 24, और इसमें भी 24 आएगा एंड सो ऑन। तो दोनों में कॉमन 24 पे चल रहा है, मतलब एलसीएम 24 आएगा, तो 24 का ले लोगे मल्टीपल। 24 कैसा है? ओके 6 और 8 का एलसीएम ले लो। okay, मैम मैम समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार बताऊं फिर से। 6 आपको लेना है इंटरसेक्शन, जो पूरा 6 का चलेगा और 8 का चलेगा, उन दोनों में कॉमन देखो 24 आया, इसके बाद 48 आएगा, ऐसे चलेगा। यस मैम। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने 6 और 8 का एलसीएम ले लिया। 6 और 8 का एलसीएम लेना आता है ना, टू यस थ्री, मैम, 24 आएगा। ठीक है, तो 24 आएगा। तो जब एन 24 होगा वो आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही 29 का हमारा ए होगा ना हाँ, 21n आ जाएगा। हम। और क्वेश्चन नंबर 40। 40 40। ये जो आपका टॉपिक था ये निशा मैम ने करवाया था ना आपको, कार्डिनलिटी वाला। मैम, लेकिन 4 सर्कल्स वाला नहीं करवाए थे, वो 3 सर्कल वाला करवाए थे। ओके, तो क्या सोचना है आपको, आपको दे रखा है कि 70% ने एक आई लॉस कर दी, 80% ने एक ईयर लॉस कर दिया, ठीक है। तो क्या आप इन दोनों का इकट्ठा निकाल सकते, टोटल तो 100% होंगे, यस मैम। यस मैम। तो इनका 50% आ जाएगा। वैसे इन दोनों का जब करोगे कंबाइन तो 60% आ जाएगा।
जब इन दोनों को ऐड करके 100 माइनस करोगे तो आपके पास 10% आ जाएगा, तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। मैम एक बार फिर से बता दो ये तो। देखो आपको पता है कि टोटल 100% होता है, यूनियन 100% होगी, ए पता है बी पता है, तो इंटरसेक्शन 50% होगी इस फॉर्मूला को लगा के। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस इनमें से मैम। 75 + 80 में से 100 निकालोगे तो 60% आएगा, 50 + 60 में से 100 निकालोगे तो 10% आएगा। 10% वो लोग होंगे जिनके चारों के चारों लिम्स खत्म हो जाएंगे, दैट इज एक्स परसेंट। मैम तब तो हम ऐसे, मैम जैसे आपने 70 और 80 को प्लस किया, वैसे हम 70 और 85 को भी प्लस कर सकते हैं। हाँ कोई भी दो ले सकते थे। मैम तब तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। अरे नहीं आएगा, अगर आप 70 और 85 को करोगे तो आपके पास कितना बनेगा? 155। 155, 100 माइनस किया तो 55% आया, यस मैम। फिर 80 और 75 को किया होगा यस मैम। तो फिर 55% आया, इसमें से 100 माइनस किया फिर 10% ही आया। ओके मैम। मैम और लास्ट क्वेश्चन 31। मैम ये क्वेश्चन में डाउट था मैम। क्वेश्चन मैम यही वाला मैम समझ में नहीं आया। मैं 50-60% कैसा है? मैंने बोला, देखो आपको ये गिवन था, ध्यान से देखना। अब जिन्होंने एक आई लॉस की उनका 70% था, और जिन्होंने ईयर लॉस किया उनका 80% था। टोटल 100% होते हैं, तो 70 + 80 - 100 कर दूं तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी, जिनका ईयर और आई लॉस हुआ होगा, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी 50% आ गया। क्लियर है? इन द सेम वे आर्म और लेग की बात की, क्लियर? यस मैम। ओके, फिर उसमें से भी आपके पास 60% आया, फिर इन दोनों को फिर कंबाइन किया, फिर आपके पास 10% आया, जिन्होंने सारे के सारे पार्ट्स को लॉस किया। ओके मैम अब समझ में आ गया। किसी को भी डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, 31। यस मैम। प्रभाष जी 31 तो कल भी डिस्कस हुआ था, मुझे यहां तक याद है। यस मैम। इसे हुआ था हम ऑप्शन ए था। तो देखो जब मैं इसको पुट करूंगी, 0.0 नॉट डिफाइंड है, 0.0 नॉट डिफाइंड है, लेकिन 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, 0 = 0 वैलिड है, तो ऑप्शन ए। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, अभी और किसी का कोई डाउट यहाँ तक? डन? और कोई असाइनमेंट में से डाउट है? नो मैम। ओके थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। रिलेशन सबका हो गया था? रिलेशन यस मैम। यस मैम। में तो किसी का कोई डाउट नहीं है, तो जब रिलेशन कर लिया क्या? मेरे को एक चीज क्लियर करना, क्या स्क्रीन विजिबल है? ओके नो मैम। नो मैम। यस मैम। क्लियर हो गया। तो रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसा कि सब लोग कल भी बोल रहे थे कि इंटरवल्स के बारे में बात करनी है, तो मैं पहले इंटरवल्स के बारे में ही बता देती हूँ, ठीक है जी? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, एक आपके पास होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक आपके पास होता है क्लोज इंटरवल, राइट? तो जो ओपन इंटरवल होता है ना, उसका मतलब होता है कि जो एक्स है वो ए और बी के बीच में है, ना कभी ए होगी ना कभी बी होगी, क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, ए कॉमा बी। इसका मतलब होता है ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच की जितनी वैल्यूज है वो सब एग्जिस्ट करती है, क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर दो।
ओपन इंटरवल होता है हमारे पास, जिसमें हम बोलते हैं कि जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज है वो इंक्लूडेड नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, वो वैल्यूज हमारे फंक्शन में, हमारे सेट में पास नहीं होती रिलेशन फंक्शन में. तो ए कॉम ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी, ना ए होगा ना बी होगा, क्लियर. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, और अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ये ए है ये बी है, तो अगर ये इंक्लूडेड नहीं होंगी तो ए और बी पे होलो सर्कल बना देते हैं. क्या बात क्लियर है? यस मैम. सबको? यस मैम. मैम ये सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दो कि जो हम ये बोल रहे हैं कि जो ओपन इंटरवल है उसमें जो आप माइनस इंफिनिटी के इंफिनिटी के बीच में पॉइंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं ए और बी, उन पे अपन होलो सर्कल बनाते, खाली सर्कल बनाते, इनका मतलब है कि ए और बी मेरे आंसर में नहीं आएंगे. क्लियर. जब क्लोज इंटरवल की बात करती हूँ इसका मतलब है एक्स जो है वो ए और ए से बड़ा होगा, बी और बी से छोटा होगा. क्लियर. इट मींस इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्क्वायर ब्रैकेट से ए कॉमा बी, और अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, तो ये ए इसको डार्क सर्कल करूंगी और ये बी इसको भी डार्क सर्कल करूंगी. क्लियर है? यस मैम. सबको क्लियर है? यस मैम. यस मैम. फोर थ्री. मैम एक बार दोबारा. सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है, आधा ओपन आधा क्लोज. इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं एक्स बोल सकती हूँ कि ए या ए के बराबर है बट बी से छोटा है, दूसरा मैं बोल सकती हूँ जो एक्स है ए से बड़ा है बट बी या बी के बराबर है. ठीक है जी. तो इसका मतलब हो गया ए की तरफ स्केयर बी की तरफ राउंड, इसका मतलब हो गया ए की तरफ राउंड बी की तरफ स्केयर. और अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, तो ये ए है ये बी है, इस पे डार्क आ जाएगा और इस पे होलो आ जाएगा. क्लियर. इन द सेम वे फिर चलेंगे माइनस इंफिनिटी के इंफिनिटी के बीच में, ए है बी है, इस पे होलो आ जाएगा, इस पे डार्क आ जाएगा. क्या बात क्लियर है? यस मैम. किसी को भी इंटरवल था इसमें. हेलो. जैसे क्लोज इंटरवल था इसमें ए और बी आंसर में इंक्लूडेड है. हाँ हाँ हाँ, इक्वल टू आ गया ना. ओके क्लियर है जी. फोर्थ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है जी. तो इसका मतलब होता है इंफिनिटी ऑलवेज ओपन, क्योंकि आप इंफिनिटी को चेक तो लगा नहीं सकते. तो अगर मैं बोलूंगी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ए कोई है और ए क्लोज्ड है, मुझे इधर का पोर्शन लेना, तो आप क्या लिखोगे? ए टू इंफिनिटी, राइट. अगर यही मैं लिखूंगी कि इंफिनिटी जो है दैट मीन्स ए को इंक्लूड नहीं कर रही और इन्फिनिटी तक, तो आप बोलोगे ओपन. एग्री. और अगर मुझे लेना होता कि इधर का पोर्शन लेना है ए से, ये माइनस इन्फिनिटी ये ओपन, तो आप लिखते माइनस इन्फिनिटी टू ए. क्या बात क्लियर है? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि इसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो एक्स है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. इसका मतलब हो गया x is greater than a, और इसका मतलब हो गया x is less than a. क्लियर है बात? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? मैम एक बार दोबारा बताना. देखो जो फर्स्ट इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल, ध्यान से सुनना. फर्स्ट इंटरवल है ओपन इंटरवल, जिसमें मैं बोलती हूँ जो मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. इसका मतलब हो गया एक्सट्रीम्स आर नॉट इंक्लूडेड. क्लोज का मतलब हो गया इंक्लूडेड. एग्री. यस मैम. सेमी का आपको पता ही चल गया, अगर ओपन है तो वो इंक्लूड नहीं है, जिस तरफ क्लोज है वो इंक्लूड है. और इन्फिनिटी हमने बता दिया कि जहां इन्फिनिटी दिख गया वो तो हमेशा ही ओपन होता है, दूसरी तरफ का आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा ओपन है या क्लोज्ड. क्या बात क्लियर है? यस मैम. तो ये इंटरवल
क्लियर हो गए जिनके भी डाउट्स थे इंटरवल्स के? यस मैम। किसी को भी डाउट? कल रिलेशन के बारे में बात की थी, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी फंक्शन क्या होता है, ठीक है जी? जो फंक्शन होता है ना, इसको बेसिकली हम लिखते हैं, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्या होता है ये? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। एग्री? कैसी काइंड का रिलेशन? इस फंक्शन रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशंस होनी जरूरी है। एक होता है कि जो आपकी डोमेन है, याद है ना डोमेन क्या होता था? फर्स्ट सेट रिलेशन के केस में ऐसा केस नहीं था। अगर डोमेन फुली यूज नहीं भी हुई तो भी चलेगा? यस मैम, रेंज से। तो फंक्शन के केस में भी हो गया कि डोमेन फुली यूज्ड होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये होगी डोमेन्स एवरी एलिमेंट, जो भी डोमेन का एलिमेंट है, यूज्ड वंस ओनली। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कि जो डोमेन का एलिमेंट्स हैं, वो हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितनी बार यूज हो सकता है? मैक्सिमम एक बार, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम। इट मींस एग्जैक्टली वन टाइम यूज होगा और सारे के सारे एलिमेंट यूज होंगे, तभी मैं किसी रिलेशन को बोलूंगी कि हाँ ये फंक्शन हो सकता है। ओके मैम, मतलब इसमें डोमेन और रेंज दो, हम अगर रेंज लिखेंगे तो वो डोमेन भी होगा? नहीं नहीं, रेंज कहाँ आ गया बेटा, रेंज कहाँ आ गया? आपने आप मैंने अपनी डेफिनेशन को चेंज नहीं किया। मैंने आपको कहा था यूज्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर कॉल्ड डोमेन। ये बात हुई थी? तो स्टार्ट करें कि यूज्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, अब यहाँ पे तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ही यूज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन बनेगा। ठीक है मैम, क्या मैम हो गया? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। डाउट यहाँ तक? चलो भैया, सबका मैंगो जूस पीने का टाइम हो गया। रेडी? यस मैम। कोरियर क्या? कोरियर? हाँ बस अपने अपने घर शुरू हो जाओ बनाना। मैम अभी मैंगो आए हैं। मैंगो तो बहुत आ गए, लेकिन मैं अभी खरीद ना अब। चलो, ये मैंगो है, ये जूसर है, हम सब ने सब कुछ देख रहा है, और ये जूस है। क्लियर? अगर किसी को शेक पसंद है तो वो शेक रखे, राइट? तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने मैंगो को जूसर में डाला, जूस बन गया? यस मैम। ठीक है, तो मैम फंक्शन का क्या काम हुआ? तो बच्चा पार्टी, जो फंक्शन है वो एक मशीन ही तो है। सिंपल डेफिनेशन में अगर कोई बुक फॉलो करते होगे तो उसमें यही लिखा होगा, फंक्शन इज अ मशीन। तो मैंगो जो है वो इनपुट है, यानी कि आपने मशीन में जो चीजें डाली, सपोज कपड़ा बनाने वाली मशीन है तो उसमें धागा डालते हैं तो कपड़ा बनता है। तो वैसे ही ये जूसर वाली, जो अपन बोलते हैं कि जूस बनाने वाली मशीन है, मैं इसमें फ्रूट डालूंगी तो ही जूस निकल के आएगा। यस मैम। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट हो गया। इतना तो अपन पढ़ते हैं कि कोई फैक्ट्री है, उसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वही सब चीजें। तो फंक्शन भी किसी चीज पे वर्क करता है कि आपने उसमें क्या डाला, दैट इज इनपुट, आपके पास क्या रिटर्न में आया, दैट इज आउटपुट। क्या बात क्लियर हुई? Yes, yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने सब ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है जी? तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास साइन एक्स है,
ये साइन एक्स जो है ये मेरे पास फंक्शन है, क्लियर। तो मैंने साइन को वैल्यू दी कि भाई एक्स जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, साइन ने प्रोसेसिंग किया, फंक्शन ने अपना काम किया और आपको आंसर दे दिया कि तो आपको सबको ये देख के क्लियर हो गया कि ये मेरी इनपुट थी, ये फंक्शन हो गया और ये मेरे पास आउटपुट आ गई, क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। अब अगर मैं जूसर में, जो आपका जूसर है, अगर मैं जूसर में डायमंड डाल दूं तो जूसर क्या करेगा? टूट जाएगा। वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा मतलब वो जिस फंक्शन को जो वैल्यू आप दे ही नहीं सकते वो दे रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो काम ही नहीं करेगा। यस मैम। तो ये वाली डायग्राम आपको ये चीज डिपेक्ट कर रही है कि आपने क्या किया, आपने बोला डायमंड भी डाल दी, बॉल भी डाल दी, चॉकलेट भी डाल दी, भाई डाल दो नहीं चलेगा, रुक गया, खत्म हो गया, टूट गया, ठीक है जी। तो आपको जो डालना है और आपके पास क्या आउटपुट आनी है, तो इट मींस जो मैंने इनपुट दी वो मेरे पास डोमेन हो गई। बता। और जो मेरे पास बन के आया वो रेंज हो गई, ठीक है। और मान लो कि ये ग्लास अभी पूरा भर गया था, अगर ये ग्लास पोस इतना बड़ा होता और आपका जो जूस है वो इतना सा निकलता, तो लेकिन ये पूरा का पूरा आपने गिलास दिया, तो ये पूरा गिलास तो को डोमेन था। यस मैम। यस मैम। ये जितना बड़ा भी रेंज हो गया। अब जब शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद घूमने जाओगे, जूस पीने जाओगे, तो उसका डब्बा देखना अभी डोमेन को डोमेन क्या चल रहा है, क्लियर है? अरे किसको दोबारा सुनना मैम? जूस वाला ये बोलेगा क्या बोल रहा भाई? भाई मैं मैथ का कंसेप्ट पढ़ के आया हूँ, तेरे को भी समझाता हूँ, बैठ जा, रुक, जूस फ्री में पढ़ाना, मैथ का कंसेप्ट बताता हूँ। मैम कोल्ड ड्रिंक के बारे में क्या बताया मैंने? बिल्कुल, मैंने ये बताया कि ये जो इन्होंने गिलास दिया था वो पूरा भर गया, ठीक है। अब जो मैं बात करूं, मैं बोलूं कि मेरा गिलास बड़ा था, या जो मेरे आम थे उसमें जूस कम था, तो मेरा गिलास नहीं भरा पूरा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो जब नहीं भरा तो आधा गिलास खाली रह गया, लेकिन पूरा गिलास तो कोडोमेन था ना? यस मैम। Yes, ma'am. Done? और जितना जूस आया मतलब जितना गिलास भरा वो मेरे पास range. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम आगे बढ़े? Yes, ma'am. तो फंक्शन की कहानी सबको समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो आगे, ये मेरे पास एक सेट ए है, ये वेन डायग्राम है, कुछ भी नया नहीं है, सब हमें आता है। ये मशीन है अब, ठीक है ना, दैट मींस फंक्शन है, एग्री। तो मैंने फंक्शन को इनपुट दिया ए सेट से, आउटपुट दिया मैंने बी सेट से, क्लियर। हाँ जी बच्चे, कोई हैंड रेस कर रहा? पारुल बोलिए, क्या डाउट है? गलती से हो गया मैम, सॉरी। ओके, तो बच्चा पार्टी, अब देखो आपने, आपके पास फंक्शन जो है वो है fx = x का स्क्वायर। मैंने माइनस टू दिया तो फोर बनेगा। यस मैम। माइनस वन दिया वन बनेगा, वन दिया वन बनेगा, जीरो दिया जीरो बनेगा, क्लियर। तो आप पहले ये चेक करो क्या मेरा फर्स्ट सेट फुली यूज्ड है। यस मैम। यस मैम। देखना ना आए तब तो दो चीजें लिख लिया करो, फुली यूज्ड, वंस ओनली, ठीक है जी। तो फुली यूज तो है, क्या हर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार बरते गए हैं, यूज किए गए हैं? yes, एक से ज्यादा बार किसी एलिमेंट को यूज तो नहीं किया? नो मैम। नो मैम। तो मुझे ये देखना आ गया कि भाई ये फंक्शन तो है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि अब फंक्शन है
तो ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, माइनस टू दिया फोर दे दिया, ये सब ये अनयूज्ड है पड़े रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप इसमें डोमेन लिख सकते हो, क्या बनेगी? यस मैम। क्या बनेगी? माइनस टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन जीरो वन टू। ओके, अब मैं जिससे पूछूंगी कोडोमेन क्या होगी फारूल? मैंने कल की क्लास नहीं ली थी, अभी रिकॉर्डेड क्लास लूंगी फिर बता दूंगी। अभी क्या बताया? दूसरा पूरा सेट क्या होता है कोडोमेन? कोडोमेन जीरो वन टू थ्री फोर। तो रेंज जो आपने सेकंड सेट की चीजें यूज की हैं, जीरो वन फोर जीरो वन फोर जीरो वन फोर। म्यूट योरसेल्फ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम। सब सोखा? यस मैम यस मैम। मतलब अब जो चीजें मैंने कल बताई थी ना, मैं वापिस पूछूंगी आपको सब याद आ जाएगा। अब सबको याद है डोमेन को डोमेन रेंज? यस मैम। कल भी हमने एक चीज की थी, मैं थोड़ा सा स्लाइड आगे चल पड़ती हूँ क्योंकि मेरे को उस हिसाब से ऐसा होता है कि जहां पे पहले बताना मैं वहां बता देती हूँ, आप लोगों को जैसे पढ़ना होगा वैसे पढ़ लेना। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्या बोलूंगी, वो क्या होते हैं? डोमेन। प्री इमेज। सेकंड सेट के एलिमेंट्स प्री इमेज इमेज इमेज। यानी कि मुझे अगर लिखना हो कि मैं अगर लिखूं माइनस वन इज प्री इमेज ऑफ वन, एग्री? यस मैम यस मैम। और अगर मुझे लिखना हो जीरो या फिर वन को लिखती हूँ, वन इज इमेज ऑफ किसकी इमेज है? माइनस वन इन वन। दोनों की है ना? यस मैम माइनस। चले आगे। यस मैम। अब देखो जो इन्होंने समझाया वो आपको समझ आ गया, आप सबको आता है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। ये लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आई आपको, आइए मुझे नहीं आती, मुझे वही पता है कि हर एलिमेंट एक बार यूज करना है, पूरी पूरी डोमेन यूज करनी है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम यस मैम यस मैम। इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते, अपना फंडा क्वेश्चन निकालना है। क्या कहते हो, अपना कौन सा इंग्लिश का टेस्ट होना है? ओके तो मेरे को ये बताओ, आपको ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए बताइए, जो मैंने लॉजिक बताया अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप बता सकते हो फर्स्ट फंक्शन है या नहीं है। यस मैम है। यस मैम है। यस मैम है। इट मींस आप बोल रहे हो कि फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि आकांक्षा फर्स्ट सेट फुली यूज्ड है। हिमरन सिमरन? यस मैम। एक ही बार यूज हुआ है हर्षुल? यस मैम। तो इट मींस ये मेरा फंक्शन है। तो ईशा जी, हाँ जी बोलिए मैम। कोडोमेन में मैम दो से ज्यादा हो सकते हैं मैम यूज? हाँ, उधर उधर कोई फर्क नहीं। ओके अब देखिए सेकंड सेट फुली यूज्ड है फर्स्ट में? नो मैम। अच्छा फर्स्ट सेकंड? हाँ मैंने सेकंड बोला। फर्स्ट सेट से लेना देना है, फर्स्ट सेट फुली यूज्ड है? खत्म हो गया नहीं फंक्शन? ओके अगला देखिए, फर्स्ट सेट फुली यूज्ड है, एक एलिमेंट दो बार? हाँ एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो क्या आपको देख के पता चल जाएगा मेरा फंक्शन है या नहीं है? यस राधे मोहन, हो आप यहाँ पर? यस मैम। ओके मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ राधे राधे की। अच्छा मैम ठीक है जी। तो चलिए तो सबको फंक्शन आ गया, अब तो मुझे क्या बताना, बस कर लो खुद ही, छोड़ो परे। सब परफेक्ट हो गया फंक्शन में? यस मैम। मैम क्वेश्चन करवा दीजिए। यस मैम। तो अब देखो
ये तो फंक्शन आपको पता ही है, वैल्यूज एक्स स्क्वायर में पुट की आंसर्स आते जाएंगे, तो आपको पता चल गया कि फंक्शन भी एक रिलेशन है जिसकी दो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता है। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एलिमेंट एक बार यूज होगा और डोमेन, पूरे डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होगा, ए सेट फुली यूज होगा एंड वंस ओनली होगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। लो भी क्या कह रहे हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, जो आपको आता है वो आपको समझ आ गया, बस वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं चाहिए, देख लो पढ़ लो, मेरे को लग रहा है थोड़ी मुश्किल लगेगी, जो मैंने बता दिया वो आपको आती है। मैम अगली स्लाइड करो मैम, ये समझ तो आ ही गया, वैसे लिख लेंगे। हाँ ठीक है, अब देखो, देखो वो जो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज में लिखा है ना, वो रट्टे वाली बात है, वो नहीं समझ आएगा, नहीं आएगा ना, हमें तो क्वेश्चन दिखना चाहिए। क्या कहते हो जश जी, नितेश? क्वेश्चन कहता है कि ये जो रिलेशन आपको नीचे चार दे रखे हैं, इनमें से देखो कौन सा फंक्शन नहीं है सेम सेट पर। तो बच्चा पार्टी ने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी रिलेशन दिया होता है उसके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के क्या बताते हैं, डोमेन। सेकंड सेकंड सेट एलिमेंट क्या बताते हैं, रेंज या कोडोमेन। मुझे अगर फंक्शन चेक करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डोमेन से लेना देना है। अगर किसी रिलेशन की डोमेन 4, 5, 6 बन रही होगी और सिर्फ 4 भी एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा, 6 भी एक बार आएगा, वो मेरा फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो ए में 4 था, 5 था, 6 था, एक एक बार ही यूज हुआ। यस मैम। तो ये तो फंक्शन है। सेकंड में 4, 5, 6 एक एक बार यूज हुआ, ये भी फंक्शन है। थर्ड में 4, 5, 6 एक एक बार यूज हुआ, ये भी फंक्शन है। अब डी में 4, 5, 5 ये जो 5 है ये एक से ज्यादा बार बर्तो में आ गया, तो इसका आंसर डी होगा। यस मैम डी। क्लियर है? यस मैम। अब मैंने एक आपको एक डिपिक्शन बता दी, हम पीछे भी करके आए हैं कि -1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, 2 का 4। तो आपने चेक किया कि जो फर्स्ट सेट है वो फुली यूज्ड है, एक ही बार यूज्ड है, इट मींस फंक्शन है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, -1, 1, 2, और इसकी रेंज क्या होगी, 1 और 4। इसकी कोडोमेन क्या होगी, 1, 4, 9। चलूं आगे, डन? यस मैम। यस मैम। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, अब आपको बताना है फिर वही चीजें। क्या फर्स्ट फंक्शन है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। फुली यूज्ड। सेकंड भी नहीं है, फुली यूज्ड। सेकंड भी नहीं है। सेकंड भी नहीं है। म्यूट योरसेल्फ। अब बताओ माई डियर स्टूडेंट्स, क्लास में क्या कोई ऐसा बच्चा है हैंड रेस करके, किसको अभी भी डाउट है फंक्शन रिकॉग्नाइज करने में? मैम एक बार इंट्रोडक्शन टू फंक्शन बता दो, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। अरे इंट्रोडक्शन टू फंक्शन कुछ नहीं था, यही है, दो लाइनें बार बार बोली जा रही हूँ, अगर कोई समझे तो, यही बोल रही हूँ बार बार कि जो मेरा पहला सेट है वो सारा का सारा यूज हो, और पहले सेट का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार यूज ना हो। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सब स्मार्ट है, सबको समझ आ गया, मैडम दो ही लाइनें बोल रही हूँ। मैम हो गया मैम, क्योंकि उधर नेटवर्क इशू हुआ तो मुझे लगा कुछ और ना होगा। वो तो कहानी है, आप रिकॉर्डिंग में देखना कहानी बताइए। हाँ जी आप पढ़ना, फिर इनको मैंने होमवर्क दिया था, क्लास के बाद जूस पीने जाना, विटामिन सी आ जाएगा, कोरोना फिर आ ही जाएगा। फिर मैं जूस नहीं लिया तो कोरोना तो मैम फिर फैलने लगा ना। क्या कोरोना फिर फैलने लगा? हाँ कोरोना फिर से आ रहा है, इसलिए रिच ऑफ विटामिन सी रहो, मास्क लगा के रखो। पुराने दिन वापस आने वाले हैं, कोरोना बहुत केसेस आ रहे हैं। नो डिस्कशन, हमें फिर भी ऑनलाइन ही लेना है। मैं फिर म्यूट कर दूंगी, मैं परमिशन बंद कर दूंगी।
ओके तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन सबको याद है? Yes, ma'am. जो भी फर्स्ट सेट है वो सारा का सारा डोमेन होगा, जहाँ जो भी वैल्यू आपका फंक्शन एक्सेप्ट कर पा रहा है दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ये कल वाली सॉरी वो प्लस टू में बताया था. अब ना ये इसमें जो बता रहे हैं मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब डोमेन निकालेंगे चाहे रेंज निकालेंगे, डोमेन चाहे रेंज दो चीजों पे फोकस करेंगे. रेडी? पूरी प्लस टू आराम करोगे. जेई का क्वेश्चन आता है डोमेन और रेंज में से, डेफिनेटली आता है, हर साल आ रहे हैं दो दो क्वेश्चंस. है कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं. अब करना क्या है माय डियर कि अगर आपके पास एफ एक्स जो है वो वन अपॉन कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो हम बोलेंगे कभी जीरो नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर जो भी है, सपोज यहाँ पे ए है, तो आप बोलोगे ए कभी जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स मेरा फंक्शन जो है कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए. क्लियर? यस मैम. यस मैम. बात अगर मेरा फंक्शन रूट में है, रूट में है, सपोज एक्स माइनस फोर है, तो मैं बोलूंगी कि जो x माइनस फोर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि हम दसवीं क्लास में पढ़कर आए हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नॉट रियल. पढ़ा था? डी नेगेटिव पढ़ा था ना, क्योंकि डी नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट रियल आ जाएगा. वही केस यहाँ पे कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट रियल, ठीक है. फिर एक लॉग वाली चीज होती है कि लॉग ए टू बी जाते हैं, ये इसका क्या होता है बेस, ये इसका आर्गुमेंट, तो हम बोलते हैं कि जो इसका बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है और जो इसका आर्गुमेंट है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वो कभी भी वन नहीं होता क्योंकि लॉग वन जीरो होता है. क्लियर? लॉग में ना ऐसे दो वैल्यूज दी जाती है, ठीक है, ये जो a होता है ना ये बेस होता है और ये आर्गुमेंट होता है, ठीक है. जो बेस होता है ना ये आपके हर केस में प्री डिफाइंड होता है. लॉग भी एक फंक्शन होता है प्रियांशु जी, जैसे साइन x पढ़ा cos x पढ़ा वैसे log x भी एक फंक्शन होता है. आई गेस आपको बेसिक मैथ्स में log पढ़ा दिया होगा. तो बी आर्गुमेंट होता है, राइट? जो आर्गुमेंट है उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी कि हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, ये माइंड में सेट कर लेना. लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, बी की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी और जो बी है वो कभी वन के बराबर नहीं होगा क्योंकि लॉग वन की प्री डिफाइंड वैल्यू है कोई भी बेस के लिए जीरो. क्लियर? जून की छुट्टी आएंगी ना तो मैं डेफिनेटली लॉग का सेक्शन लूंगी. ओके मैम. एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में करके दिखा दो तो शायद से समझ जाए. देखो जो भी लॉग अगर ए टू बी होता है लेट दस किसकी वैल्यू एक्स आएगी, तो ये नीचे है ना जो इसके पैरों में वो इसके भी पैरों में जाएगा, यानी कि ये बी जो है ये ए की पावर एक्स बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लॉग टू टू फोर टू के बराबर दिया है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी जो फोर है वो किसके बराबर हो जाएगा टू की पावर टू. बात क्लियर हुई? जैसे मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वैसे लॉग का उल्टा एक्सपोनेंट होता है किसी चीज की पावर होना, ठीक है. जिनको भी लॉग में डाउट आएगा डोंट वरी, कभी भी अभी थोड़ा सा सिलेबस को प्लान आउट कर लेते हैं, उसके बाद जून में अलग से सेशन लेके स्पेशली लॉग के सेशन ले लेंगे, राइट? After the classes, कुछ ऐसा प्लान कर लेते, ठीक है?
ओके मैम ओके। तो अगर मुझे डोमेन एफ एक्स प्लस जी एक्स दो चीजों की निकालनी है तो मैं एफ एक्स की निकालूंगी जी एक्स की निकालूंगी और दोनों की डोमेन का जो इंटरसेक्शन आएगा कॉमन आएगा वो मेरी डोमेन हो जाएगी टोटल। कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना, अब डोमेन निकालना सिखाऊंगी। रेडी एवरीवन? अभी तक तो आपने जो पढ़ा वो आपको प्री डिफाइंड था, वो तो उतना तो कर ही लोगे अब कि अगर बना बनाया फंक्शन लोगे। अब मुझे अगर इसकी डोमेन निकालनी है, बेटा म्यूट कर लो, मैंने आपको दो चीजें बताई कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, इट मीन्स आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। यस मैम, यस मैम। तो एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री दो फैक्टर बनेंगे, यहाँ से मैं क्रिटिकल पॉइंट ले लेते अपने नॉलेज के लिए, तीन और माइनस तीन यही बनेंगे। यस मैम, यस यस मैम। तो आपने वही एक नंबर लाइन बनानी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, राइट? क्लियर? अब आपको दो पॉइंट, छोटा माइनस तीन बड़ा तीन, एग्री? मैंने बोला कि ये जीरो नहीं हो सकते तो इनको छोड़ दिया, और कुछ बोला कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बाकी तो कुछ मर्जी हो जाए, डजंट मैटर क्योंकि रूट नहीं है। कि सारी रियल नंबर्स आ सकती हैं, कौन सी नहीं आ सकती, बस माइनस तीन और तीन को छोड़ के बाकी जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो मेरा फंक्शन आंसर दे देगा। माइनस इनफिनिटी हमें पता है रियल नंबर होते हैं। ओके देखिए ध्यान से देखिए मैम, आप मैम हाँ जी बोलिए मैम, ये कैसे पता चला कि ये ओपन इंटरवल है? क्योंकि मैंने इसको अभी ओपन क्लोज की कोई बात ही नहीं, मैंने बोला कि इनको इंक्लूड ही नहीं करना, ये हो ही नहीं सकते, बाकी सारे नंबर हो सकते, तो मैंने कुछ ओपन बोला ही नहीं। हाँ मतलब ये कि ये इंक्लूड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो अगर तीन पुट करूंगी नीचे जीरो आ जाएगा, माइनस तीन पुट करूंगी नीचे जीरो आ जाएगा और मुझे वो बनाना नहीं है। ओके मैम ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा और देख लेते, अगर मेरे पास 1 upon x minus 4 होता तो आप बोलते कि x minus 4 not equals to 0, जो x है वो 4 नहीं हो सकता, यही सोचते। इतनी सारी वैल्यूज आती, सारे रियल नंबर आ सकते, कौन नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। क्या बात है, एग्री हुई? यस मैम, किसी को भी डाउट है तो बताइए। हाँ जी बोलिए। आयुष बोलिए। मैम ये कैसे पता चला कि वो नॉट इक्वल टू जीरो है? अभी मैंने बात की, देखो रूल्स नहीं पढ़ाए कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया ये जीरो नहीं हो सकता। इसमें ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू तीन या माइनस तीन होगी, और कभी भी नहीं होगा, सोचो। Yes, ma'am. तो फैक्टर्स से ही पता चल जाते हैं, इसीलिए हमने इसको स्प्लिट करके देखा कि इसके बराबर आएगा। क्लियर? मैम x की वैल्यू 9 से बड़ी आएगी या छोटी, जो मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया कि सारे रियल नंबर आ सकते, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो मैम हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी थी। हां, डोमेन मींस वैल्यू ऑफ x, y मींस वैल्यू ऑफ रेंज। ओके चले। यस मैम। अब अगला देखो, सेम ही क्वेश्चन है, अब रूट में दे रखा है, तो यहाँ से आपको पता चल गया x स्क्वायर माइनस नाइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। यस मैम। ठीक है, जीरो हो सकता है क्योंकि न्यूमिनेटर में है, तो x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब जो नंबर लाइन मैंने बनाई थी वो फिर से बना रही हूँ, ध्यान से देखना, और आपके पास है माइनस थ्री और तीन, और जब इक्वल हो सकता है, दो इक्वालिटी है तो ये क्लोज इंटरवल में बात करेगा। अब ध्यान से देखो, क्या मेरा एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है? यस यस मैम। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाना आ गया। मैम समझ नहीं आया, नंबर लाइन बनानी है अभी। यस मैम, यस मैम। उस पे दोनों समझ नहीं आया मैम, पहले बात तो सुनो, नंबर लाइन बनानी आ गई। यस मैम।
यस मैम आ गए पॉइंट्स लगाने आगे यस मैम फिर ये भी पता चल गया कि माइनस तीन और तीन हो सकते हैं उनको एक्सक्लूड नहीं करना इसलिए मैंने इनको डार्क कर दिया कि मेरे इंटरवल में वो आएंगे यस मैम उसके बाद ये रूल होता है कि जो आपका एक्स मतलब जो भी सबसे ज्यादा डिग्री वाली टर्म है आपके एक्सप्रेशन की उसको देखो एक्स स्क्वायर है उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव शुरू किया राइट साइड से पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव क्लियर मैम अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हाँ हाँ ओके मैम ठीक है अब आपका ओवरऑल क्या कह रहा है ओवरऑल ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कह रहा है दैट मींस ये कह रहा है कि पॉजिटिव वाली चीजें लेनी है जीरो से बड़ी लेनी है yes, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है तो जो मेरी डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो किसको बिलोंग करेगी माइनस इनफिनिटी टू माइनस थ्री क्लोज्ड यूनियन थ्री टू इनफिनिटी क्या बात क्लियर हुई किसी को भी डाउट है तो बोलो मैम रिपीट कर मैं ऐसा करूँ रिपीट तो मैं करूंगी एटलीस्ट टेक टू मिनट्स पहले आप लोग इसके बारे में सोचो एनालाइज करो सब लोग जिनको समझ भी आ गया कि फिर मेरे को बताना डाउट है क्या है एक्चुअली में क्या है फिर हम बात करेंगे टेक योर टाइम हाँ जी जश मैम इसमें क्या कहते हैं माइनस थ्री और थ्री के बीच में होगा ना इसमें इन्फिनिटी कैसे आ गया समझ नहीं आया मेरे को क्योंकि कोई भी जब ये जो भी अपन डोमेन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर्स पे कर रहे हैं ठीक है तो सारी की सारी नंबर लाइन आएगी ठीक है माइनस तीन और तीन तो आपके पास दो वैल्यूज आई थी जिसपे जीरो हो रहा है ये आपका इंटरवल है अब सोच के देखो अगर लॉजिकली सोचोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा आप बोलोगे कि अगर मैं वैल्यू दोनों में माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन में पुट करती हूँ सपोज मैं माइनस पांच कर रही हूँ तो माइनस पांच माइनस तीन माइनस पांच प्लस तीन तो मेरे पास माइनस आठ गुना माइनस दो सोलह आएगा पॉजिटिव आ रहा है ना यस मैम और अगर तीन इससे बीच में कर रही हूँ सपोज मैं आठ कर रही हूँ तो आठ माइनस तीन आठ प्लस तीन तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं आ रही यस मैम तो बात समझ आई कि अब मेरे पास वहाँ आईआईटी में या जो आपके स्कूल के एग्जाम्स भी होंगे वहां पे इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि मैं वैल्यू सोच करके चेक करूं क्योंकि ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन तो अभी बहुत लेंथी होंगे क्लियर यस मैम तो इसीलिए ये मेथड बनाया गया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये जो माइनस तीन और तीन आपके इनको आप बोलते हैं कि जो x तीन और माइनस तीन आए मेरी लैंग्वेज में इसको बोलती हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं जो आपके बेसिकली लाइन को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ इनके बेसिस पे प्लस माइनस चेक कर लो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है आपने भी यही सोचा अब अगर आप माइनस तीन से तीन में मुझे कोई भी वैल्यू सपोज टू पुट करके जीरो ही पुट कर लो तो आंसर नेगेटिव आ रहा होगा और मैम ये राइट साइड से शुरू होंगे ना प्लस माइनस ये सब रूल्स हैं इधर से ही शुरू होगा और अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव लेंगे लेस देन का होगा तो नेगेटिव लेंगे ओके चले मैम क्या रेंज जीरो हो सकती है क्या मैम रेंज जीरो हो सकती है अभी रेंज पे नहीं आए हम जहां आए नहीं उसके बारे में मत सोचो फिर अभी डोमेन निकालना सीखो ओके मैम ठीक है ना जब रेंज की बात करेंगे फिर रेंज पाएंगे अभी अभी बीच में उलझन करेंगे तो डोमेन भी भूल जाएंगे तो डोमेन क्लियर है यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम अब इसकी डोमेन बताओ अब मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वाली टर्म है ये क्या होनी चाहिए दो क्लॉज थे एक तो जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा Yes, ma'am. और मैंने बताया था कि ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता यानी कि x जो है वो प्लस माइनस टू तो कभी भी नहीं होगी क्लियर तो आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज आ गई ना x माइनस टू x प्लस टू ठीक है जी ग्रेटर देन जीरो तो यानी कि आपने नंबर लाइन बनाई माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी
यहाँ पे माइनस टू आ गया, यहाँ पे प्लस टू आ गया, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। क्लियर है इतनी बात सबको? यस मैम। अब देखो, एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए तो क्या लिखोगे कि माइनस इनफिनिटी से माइनस टू जाएंगे, ओपन रहेगा, यूनियन टू से इनफिनिटी जाएंगे। यस मैम। बताओ क्या डाउट है? नो मैम। नो मैम। जस्ट बोलिए। मैम समझ में आ गया, मैं तो गलती से हो गया। समझ में आ गया? समझ में नहीं आ गया? मैम आ गया समझ में। ओके मैम, बस इसमें आइडेंटिटी याद होना चाहिए, किसके इक्वल जीरो होगा नहीं होगा। हाँ मतलब वो दो ही रूल है बेसिकली, उसी पे वर्कआउट करेंगे। लॉग तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है ना। अब इस पे दो एक्स है तो सोचो, मैंने आपको बताया था कि फोर माइनस एक्स स्क्वायर पे तो एक क्लॉज है कि जीरो नहीं हो सकता। फिर आपने बोला कि जो फोर माइनस एक्स स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होगा, फिर जो एक्स है ये भी पॉजिटिव होगा, ये वाला। yes, तो इससे आपको क्या पता चला? अब सोचो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं मुंह बदल लेता है तो लेस देन हो जाएगा। फिर आपके पास माइनस दो आया, दो आया, बोलो जी। क्लियर है? ये माइनस दो और दो क्या है? ओपन है। और यहाँ पे एक पॉइंट जीरो भी आया, आप बोल रहे हो जीरो से ग्रेटर जा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि आपके पास लेस देन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला इंटरवल आया इनके हिसाब से। मैम इसमें हल्की सी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया। मैम जो आपने माइनस कॉमन लिया ना वहां से हल्की सी कंफ्यूजन। चलो माइनस कॉमन ही नहीं लेते, छोड़ दो, वो लीनियर में सीख लेंगे। ठीक है जी, माइनस कॉमन ही लिया। ओके तो आपके पास टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स बना होगा, ठीक है? यस मैम। एक नंबर लाइन है, इसमें आपके पास माइनस टू आया होगा, टू आया होगा, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी आया होगा, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब आपके पास एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन है तो आपने बोला होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, राइट? फिर आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट है जीरो, जीरो भी ओपन है क्योंकि जीरो के बराबर तो है नहीं, एग्री? क्लियर? यस मैम। तो आपने जो पॉजिटिव लिया था इसके अकॉर्डिंग आप इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहे हो, यस और नो? और ये yes, ma'am. ये आपको बोल रहे कि मैं जीरो से बड़ा हूँ तो यहीं पे रुक गया, तो मेरा आंसर जीरो से टू आएगा। भाई बंधु दो हैं, दोनों की बात मानी जाएगी? यस मैम। मैम इसमें जीरो और टू को भी इंक्लूड करेंगे? नहीं, टू तो करना ही नहीं है, जीरो भी नहीं करना क्योंकि बेस में है एक्स। तो मैम से बीच की टर्म्स को इंक्लूड करेंगे? हाँ, बीच की जो मर्जी हो, चाहे पॉइंट्स की आ जाए, डजंट मैटर। हम माइनस टू भी कर सकते हैं ना? क्या मैम से माइनस टू से जीरो तक क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि इसने शो डाल दिया ना जो घर का दूसरा बेटा था। ओके मैम। मैम सॉरी बट मैम बीच की टर्म क्यों इंक्लूड करेंगे इसमें अच्छी से कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे आपको पता चल गया जो x है वो 2 और माइनस 2 नहीं हो सकता। यस मैम। एक तो इसने शो डाल दिया। यस मैम। फिर इसने भी शो डाल दिया भाई जीरो से बड़ा होगा, जीरो से जीरो या जीरो से छोटा नहीं हो सकता। यस मैम। तो ये दो जाने जो घर के छोटे बच्चे थे इन्होंने शो डाल दिया तो ये बड़े बच्चे को मानना पड़ा। ओके ठीक है, चलो यहाँ तक डाउट क्लियर है? कोई डाउट फटाफट बोलो। नो मैम। डोमेन आ गई समझ? बहुत काम करना पड़ेगा नहीं तो डोमेन मुश्किल लगती है, अगर जिस जैसे अपन सोच रहे हैं अगर वैसे सोचोगे तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बढ़ो आगे। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन लिख रहे इसकी डोमेन तो आप निकाल सकते हो, इसकी अलग से निकाल लो, इसकी अलग से बताया था ना, फिर दोनों जिस पे एग्री करेंगे तो इसका मतलब हो गया x square minus 4 greater than equals to 0,
तो आपके पास आएगा ये माइनस टू, ये टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्लोज्ड आएगा, फटाफट बन जाना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसने तो बता दिया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक क्लोज्ड यूनियन टू से इन्फिनिटी। क्या सबका इतनी जल्दी लिखा गया? Yes, और इसने बताया कि जो x माइनस फाइव है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा तो जीरो तो ग्रेटर देन ही होगा ना, जीरो तो कभी बनेगा ही नहीं, वो यही कहते हैं अपन। यस मैम। ग्रेटर देन जब ही बनेगा जब अंडर रूट में होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे लॉग में, लॉग नेगेटिव वैल्यू और जीरो एक्सेप्ट नहीं ना करता, तो x की वैल्यू पांच से बड़ी होगी, पांच भी नहीं होगी क्योंकि पांच पुट करने पे जीरो आ जाएगी। तो पांच कॉमा इन्फिनिटी होगा ना सर। देखो फाइव कॉमा इन्फिनिटी। अब इसी इसी नंबर लाइन पे सोचो, अब यहाँ पे कहीं पांच एग्जिस्ट कर रहे और पांच ओपन है, तो ये बोल रहा है मैं पांच से बड़ा हूँ, ये बोल रहा है यहाँ पे हूँ, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन कहाँ पे आया? फाइव कॉमा इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओपन, ये आंसर आएगा। किसको डाउट है बोलो? मैम ये समझ नहीं आया लास्ट का थोड़ा। देखो इसकी डोमेन निकाली, इसकी निकाली, दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा, एक सेकेंड, दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो आंसर होगा। इसका आंसर आपके पास ये आ गया और इसका आंसर आपके पास बना फाइव टू इन्फिनिटी। मैम इसमें हम एक्स की वैल्यू सिक्स छोड़ देंगे ना, क्योंकि तब तो जीरो पे जाएगा लॉग। नहीं, लॉग वन जीरो होते है, उससे तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके मैम। हाँ जी क्लियर है। तो जब मैंने नंबर लाइन पहले की बनाई उसी में मेरा पांच से लेके आगे की वैल्यू, तो ये देखो अब ना जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो दो कलर से शेड करते हैं, एक ये पहले ग्रीन कर रहा था, फिर आपने येलो किया और एक इधर ग्रीन, तो ग्रीन और येलो कहाँ पे मिल रहे हैं? फाइव से इन्फिनिटी पे मिल रहे हैं। यस मैम। तो आंसर फाइव टू इन्फिनिटी आएगा। हाँ जी बोलिए समीर। मैम ये log 10 का क्या काम था इसमें? log 10 फंक्शन है, 10 डिफाइंड है, अगर x होता तो मैं सोचती, अदरवाइज मेरे लिए कोई काम नहीं है इसका। ओके चले। अब बताओ छोड़ दो ये सॉल्व फॉर एक्स है, ये अभी कंसर्न नहीं है, ठीक है? हम अभी 2.2 हो गया इसमें, 1.2 हो गया इसका आंसर। इसका ही 1.2। अभी अभी हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे ना माय डियर। ओके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या इस क्वेश्चन के बारे में सोच पा रहे हो? ये प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन है, अब सोचो ऐसा क्वेश्चन आया था जेई में। क्या सोचा? कि जो वन माइनस एक्स है, यही सोच रहे हो कि जो वन माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा और अंडर रूट एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, राइट? तो यहां से आपके पास एक्स की एक वैल्यू आई कि जो एक्स है वो वन के बराबर है, यही आई कि जो एक्स है वो वन के बराबर है और वो इंक्लूडेड नहीं है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? देख लो, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्लियर है? और ये जो बोल रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू है, तो यहाँ पे कहीं माइनस टू होगा और इसमें माइनस टू इंक्लूडेड है, ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव। ये बोल रहा था मैं इधर जा रहा हूँ और आपका जो दूसरे वाला था माइनस टू से ग्रेटर देन वो इधर, तो आपके पास आंसर मिल गया।
यस मैम ठीक है तो इट मींस आपको आंसर मिला माइनस टू से वन ये क्लोज हो गया ये वन हो गया लेकिन इसमें से एक नंबर माइनस होगा कौन सा जीरो क्योंकि जब इसमें इस डिनोमिनेटर में वन माइनस जीरो करोगे तो वन बनेगा दैट मींस लॉग वन आएगा जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा इस केस पे मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी क्या मेरी बात समझ आई यस मैम नो मैम देखो हाँ मैं करूँ हैव अ लुक दो फंक्शंस हैं दोनों की अपनी अपनी डोमेन निकालिए दोनों की अपनी अपनी डोमेन निकालिए जो सेकंड था रूट एक्स प्लस टू उसकी डोमेन निकालने में कोई दिक्कत हुई नो मैम अब लॉग वाले की प्रॉब्लम थी ये लॉग डिनोमिनेटर में था तो आपको पता था कि जो ये लॉग है वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो और आपको ये भी पता था जो वन माइनस एक्स है वो नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए और अगर ये वन बन जाएगा तो लॉग वन जीरो होता है क्लियर है और ये कब देगा जब एक्स जीरो होगा तभी होगा तो मुझे पता चल गया कि जो एक्स है वो कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता क्या इतनी बात क्लियर है फिर दोबारा से नंबर लाइन देखो ये वाले फंक्शन की नंबर लाइन यहाँ पे माइनस टू पॉइंट था तो आप बोलो कि माइनस टू इंक्लूडेड है और इससे इधर जा रही हूँ मैं ठीक है जी और दूसरी वाली नंबर लाइन में आपके पास जो पॉइंट बना वो वन था और यहाँ पे कहीं जीरो था जीरो पे मैंने कट लगा दिया कि जीरो लेना नहीं है मुझे अगर जीरो लेना नहीं है और इसके अकॉर्डिंग मेरे को इस तरफ का मेरा आंसर आ रहा है तो दोनों का कॉमन कहाँ पे आया रिजल्ट बताओ माइनस टू से वन माइनस टू क्लोज हो गया वन ओपन हो गया लेकिन एक क्लोज था कि जीरो नहीं लेना जीरो को छोड़ देना है क्या बात क्लियर है सबको ठीक है अरे नो वरीज ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया आपको नहीं आया तो आराम से सोचना आपके पास पूरा दिन है फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं क्या कहते हो यस मैम अब सोचो अब भी दो फंक्शंस की बात हो रही है अभी आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है बस वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और जो x है वो प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता इतनी बात समझ आ गई यस मैम ठीक है अब दूसरे केस अब आपको जो दूसरा केस है वो बता रहा है x क्यूब को x x माइनस 1 x प्लस 1 ऐसे ही कुछ फैक्टर्स बनेंगे यस मैम और इसको आपने बोल दिया कि ग्रेटर देन जीरो होगा और आपको ये भी पता चल गया कि जो x है वो कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो पे जीरो हो जाएगा yes, और x कभी वन भी नहीं होगा बता एग्री और ये तो यहाँ पे भी दे रहा है कि x जो है वो क्या होगा कभी जीरो और वन नहीं होगा इसीलिए मैंने उसको ग्रेटर देन का साइन दिया अब यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करो जीरो है यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे वन है यहाँ पे टू का पॉइंट है यहाँ पे माइनस टू का पॉइंट है ये आपको पता है कि जो नहीं लेने उन पे क्रॉस ले लिया और ये सारे मेरे ओपन है एग्री बचाओ बताओ बच्चा पार्टी अब आपका जो ओवरऑल एक्स क्यूब का साइन था सारे एक्स पॉजिटिव है तो मैं लूंगी पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव लेना था तो कहां से कहां तक जाऊंगी माइनस वन से जीरो जाऊंगी यूनियन वन से टू जाऊंगी टू को एक्सक्लूड करना था यूनियन टू से इंफिनिटी चली जाऊंगी ऑप्शन नहीं हो गया मैं समझ नहीं आया टू मिनट्स लो फिर मेरे को बताओ अगर डाउट है क्योंकि दिमाग वाली बात है सिंपल सी बात है थोड़ा सा नया कंसेप्ट है टाइम लगेगा सो डोंट वरी आराम से सोचो फिर मुझे बताओ
क्योंकि डोमेन नेम पे इतना एफर्ट इसलिए डाला, अगर अभी नहीं किया तो प्लस टू में जाके और इस चीज का फिर पड़ेगा बोल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए मैम। आपने क्या करवाया आज? मैंने फंक्शंस की डोमेन कराई है, फंक्शंस के बारे में पढ़ा। मैम समझ भी नहीं आया। देखिए ध्यान से देखिए, जिस इसको समझ नहीं आया हैंड रेस कर लो, उतना टाइम कोई कुछ मत बोलना। अब ध्यान से फिर से देखो, ये फंक्शन क्लियर है फर्स्ट वन कि x की वैल्यू दो और माइनस दो नहीं होगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इट मीन जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये वाला, इसने डिफाइन कर दिया कि जो मेरी डोमेन आएगी वो सारे रियल नंबर आएगी सिर्फ माइनस दो और दो को छोड़कर। ऐसा ही समझा रहा हूँ आपको? यस मैम। और दूसरा फंक्शन yes, yes, कि जो मेरा फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। फैक्टर्स बना लिए, तीन नंबर बने जीरो वन माइनस वन, तीनों मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर ली। बड़ी सी नंबर लाइन बना लो, ज्यादा दिक्कत है तो माइनस वन जीरो वन ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे टू दिखेगा, यहाँ पे माइनस टू दिखेगा। माइनस टू भी पॉसिबल नहीं है, टू भी पॉसिबल। क्लियर? और क्योंकि ये ग्रेटर देन है इक्वल हो नहीं सकता, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, होलो बना दिया। क्लियर है? तो जिस पे मैंने होलो बनाए बेसिकली वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब आपका ओवरऑल साइन क्या है? पॉजिटिव है एक्स का, तो पॉजिटिव। यस मैम। पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? अब आपको आंसर क्या लेना है? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वाला लेना है। तो आपने लिखा कि माइनस वन से जीरो गए यूनियन। फिर आपको अगर लग रहा है कि मुझे टू टू वाला नहीं समझ आ रहा, तो आपने ये सोचा होगा कि वन से इंफिनिटी गए जिसमें से मैंने टू को माइनस कर दिया, ऐसा ही सोचा होगा। यस मैम। इस चीज को अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि मैं भाई वन से टू गई, टू को मैंने ओपन रख दिया, यूनियन फिर टू को ओपन रख दिया, तो यहाँ पे भी तो टू इंक्लूड ही नहीं हुआ ना, टू ही तो छोड़ा सिर्फ। यस मैम। सिर्फ राइटिंग वे है और कुछ भी नहीं। ओके मैम। यस मैम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा। मैम इसमें हम माइनस टू क्यों नहीं लिखा? क्या मैम? ऑप्शन डी। ओके मैम ठीक है। हाँ जी बोलिए। मैम समझ नहीं आ रहा मैम, आपने क्या प्लस माइनस नंबर लाइन में? मैम नितेश को। हाँ जी नितेश बताइए, क्या प्लस माइनस समझ नहीं आया? मैम ये मतलब कैसे लगा रहे हो मैम प्लस माइनस? ये स्टार्टिंग से क्लास से शुरू किया हुआ है, मैंने प्लस माइनस लगाना। आईसन जो फंक्शन मतलब साइन देखा कि एक्स का क्या है, ओवरऑल एक्स क्यूब का पॉजिटिव है, तो मेरा फंक्शन का जो साइन है मैं प्लस से शुरू करूंगी। अगर नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव से शुरू करती। ओके मैम ठीक है। और मेरा जो साइन है वो ग्रेटर देन जीरो है, दैट मींस पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, तो जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है उस डब्बे को मैं अपने आंसर में इंक्लूड करूंगी। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक करके बताया था कि अगर माइनस वन से जीरो के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर लॉग वाला पॉजिटिव देगा और वो आपको जीरो नहीं दे, इनफाइनाइट नहीं देगा। वैसे ही वन और टू के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्लियर मैम? ये जो आपने स्टार्टिंग में प्लस लिया, ये एक्स क्यूब को देखते हुए लिया? हाँ। बताइए किसी को भी पूछना है यहाँ तक कोई डाउट तो पूछो। क्लियर है? अरे नो वरीज, आपकी क्लास अब कल नहीं है ना, तो आपकी क्लास डे आफ्टर टुमारो है, कल का दिन है, कल तक रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, फिर से एक बार देखना समझना, अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे बताना। ओके मैम। ठीक है जी। ओके मैम। तो फिर इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देती हूँ, क्या कहते हो? फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको खुद से ट्राई कर लेना एक बार। क्या कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है।